तो बड़ी खबर आपको मथुरा से भी हम बताएंगे, क्योंकि लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने मुख्यमंत्री के दौरे की आपको जानकारी दी कि आज वो जालौन पहुंचेंगे, और इस बीच अहम खबर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि खासतौर पर हमारा मकसद यही होता है कि प्रदेश भर से जो भी बड़ी खबरें आए सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचाए। और आज का मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसी कड़ी में बिल्कुल एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद भूमि का ये पूरा मामला है, इसको लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज अहम सुनवाई होगी। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसको लेकर तमाम तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आज इस मामले में काफी लंबे वक्त बाद भी सुनवाई होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज है, क्योंकि 1 जुलाई को अधिवक्ता के निधन की वजह से सुनवाई टल गई थी और एक बार फिर से आज सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आज एक बार फिर से सुनवाई चलने के बाद एक बार फिर से आज सुनवाई होगी, ये जानकारी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीद का मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। कन्हैया हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज अहम सुनवाई होने जा रही है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज सुनवाई होगी, क्योंकि 1 महीने तक न्यायालय में अवकाश रहा है, इस दौरान कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब 1 जुलाई इस मामले में सुनवाई की तारीख पड़ी तो अधिवक्ता के निधन के कारण बार एसोसिएशन में कंडोलेंस हुई और जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी। आज 2 मामलों में सुनवाई होगी और अगले 7 मामलों में 15 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन आज 2 मामले हैं काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें शाही ईदगाह पर स्टे की मांग है, कमीशन के गठन को लेकर भी मांग की गई है, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार कराने की भी मांग की गई है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिका है जो मुख्य तौर पर लगाई गई है। ऐसे में न्यायालय आज सुनवाई करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, हिंदू पक्षों मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनेगा और अब तक की जो प्रोसेस हुई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखना होगा न्यायालय इस मामले में।